दोस्तों आई एम भोपाल के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है खास इसीलिए कि मणिपुर से हम कहें कि कई सौ साल पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे एक मार्शल आर्ट जिसे इंडियन मार्शल आर्ट कहते हैं फुनाबा जिसका नाम है उसकी शुरुआत हुई थी और उसको खेल के रूप में दो साल पहले दर्जा मिला है और मणिपुर से निकल इसे चौंतालीस से ज़्यादा कंट्रीज़ से इंट्रोड्यूस कराया नौ से ज़्यादा स्टेट में आज ये गेम चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया जो हमारा इंडियन मार्शल आर्ट है क्योंकि जूडो की बात करें कराटे की बात करें ताइकंडो की बात करें तो ये जापान और कोरिया से ईजाद हुआ लेकिन फनाबा जो हमारे ही देश का मणिपुर का एक मार्शल आर्ट फॉर्म है जो न केवल एक फिटनेस का गेम है बल्कि इंटरटेनमेंट भी है जिसे अब पूरे देश और दुनिया में पहुँचा रहे हैं उसके वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट फुनाबा के रणवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और रणवीर सिंह न केवल इस गेम को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं और जिसका कल बहुत बड़ा एक शो भोपाल में होने जा रहा है बल्कि ये बहुत सारे फिल्म स्टार हम कहें संजय दत्त हो सुशांत सिंह राजपूत हो कटरीना कैफ हो, और बड़े नाम हैं और बड़े कई लोगों को ये इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं तो आज हम उनसे जानते हैं रविंद्र सिंह जी से कि ये फुनाबा एक्चुअली गेम है क्या किस तरीके से जहाँ आज ये भागती दौड़ती ज़िंदगी चल रही है जहाँ बच्चे गेम्स इंटरटेनमेंट में मोबाइल में बिजी रहते हैं वहाँ ये गेम कितना हेल्पफुल रहेगा उनके ब्रेन को डेवलप करने में फिज़िकल फिटनेस डेवलप करने रणवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भोपाल में नमस्कार तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि फुनावा है क्या और कैसे इसकी शुरुआत हुई कहाँ का ये ओरिजिन है गेम फुनावा जो है ये जो गेम है ये इंडियन मार्शल आर्ट है ये ओरिजिनल फ्रॉम मणिपुर की है जी। और ये जब जमाना में जो खेला जाता था कि राजा महाराजों के समय से ये आर्ट को खेलते रह गए तो लेकिन आज हमने डेवलप करके वर्ल्ड वाइड में इसको रिकोगनाइज कर दिया है तो अभी ये आर्ट फर्स्ट टाइम है कि ये इंडिया की जो मार्शल आर्ट है वर्ल्ड की जो फेडरेशन इंडिया में है जी तो ये, ये पहली बार है, कि पहली बार है हाँ तो किस तरीके से कितना चैलेंजेस रहा आपके लिए क्योंकि आप खुद इस गेम को खेलते हैं एज ए स्पोर्ट्स दो साल पहले दर्जा मिला कितने चैलेंजेस आए ऑब्सटिकल्स आए गेम्स के रूप में इसको आज यहाँ तक लाने में हाँ ये गेम को कन्वर्ट करने के लिए मैंने सालों साल मिनट किए हैं और हमारा टीम है हमारा पूरी जो आर्ट की जो हमारा जो और भी टेक्निकल की टीम है और ये हमारे जो मेंबर्स है कमेटी मेंबर्स है बड़े लेवल पर है ऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड पूरा फैला हुआ है इनकी पूरे कामया इनकी सातों की वजह से हमारा ये कामयाब हुई है हाँ जैसा अभी पता है कि आपके एफर्ट से और आपकी पूरी टूरी टीम है पैंतालीस कंट्रीज़ को जानने लगी है इस गेम को वट इज़ फोनाभा सो क्या टारगेट लेकर आपने इसकी शुरुआत की है क्या आगे प्लानिंग है फ्यूचर में हम चाहेंगे कि ये गेम को वर्ल्ड वाइड आज जो ओलंपिक लेवल तक लेके जाने के लिए हमारा पूरा मेहनत है और हमारा टीम पूरा इनके साथ ही है आज हम हमारा जो मध्य प्रदेश की और हमारा भोपाल यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है और कहीं स्कूल भोपाल की हमारे साथ तयफ हो चुके हैं हमारे स्कूल की बच्चों को फिज़िकल फिटनेस के लिए और मॉरेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो ये सारे चीज़ें इस ये आर्ट के अंदर ऐसा है कि स्पोर्ट्स और गेम के साथ इंटरटेन की एक्टिविटीज़ भी साथ में है हाँ तो ये किस एज ग्रुप मिनिमम किस एज ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल के बच्चे ये पाँच साल के बच्चों से शुरुआत किया जाता है तो ये बहुत उम्र तक हमारा समझो एटी 90 इयर्स तक के भी इसके अलग अलग सेक्शंस है है ना इसमें योग की तरह ब्रीदिंग एक्सरसाइज है कंसंट्रेशन है मेडिटेशन है और जो ये एज ग्रुप के हिसाब से बोला जाए यूथ की अलग है सीनियर सिटीजन के लिए अलग है म्यूजिक रिदमिक में भी ये खेला जाता है ये जो गेम है मतलब बच्चे पाँच साल से लेकर सीनियर सिटीजन भी खेल सकते। खेल सकते खेल सकते इस गेल की क्या खासियत है रणवीर जी जैसे कराटे को सब जानते हैं कि हाथ भी यूज होता है पैर भी होता है ताकंडो में पैर होता है जूडो जानते हैं लेकिन फुनाबा है क्या कि एक्चुअली किस तरह की फाइट किस तरह का इसमें पूरा जो एक्सरसाइज ये जो फुनाबा जो है पैरों से ज़्यादा खेला जाता है और हाथ भी खेला जाता है उसमें ज़्यादा खासियत कि सेल्फ डिफेंस का भी बहुत इसके अंदर अंतरा है कि सेल्फ डिफेंस आज की जो ज़रूरत है लोगों के लिए उस चीज़ों को इसमें है और इसके साथ ही साथ ही म्यूज़िक की रिदमिक में जो किया जाता है इसमें से कि लोगों को जो एक बहुत ही महनत करने की जो समय है इनको रिदमिक के साथ किया जाए इसी तरह किया जाता है एक तो ये हमारे लिए बड़े अच्छी बात है देश के लिए कि वर्ल्ड फेडरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में मौजूद है आप प्रेसिडेंट आज भोपाल में हमारे साथ आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज जिनको देश और दुनिया पसंद करती है फिल्मों में देखती है उनको आपने ट्रेन किया वो कौन कौन सेलिब्रिटीज है जिनको आप ट्रेनिंग देते हैं और दे चुके हैं लास्ट राबता पिक्चर का जो सुशांत सिंह त्रिधी सोनन इनकी जो पूरा मूवी की जो स्टार्टिंग की जो कोरियोग्राफ जो फ़ाइट होती है उनको ट्रेनिंग पर्सनल ट्रेनिंग देना ये हमने किए हैं कहीं सीरियल की है कहीं पिक्चर और भी किया और गया है कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस कटरीना कैफ और संजय हाँ वो लोग अभी किया है तो वो लोग का जैसा जैसा, जैसा शॉर्ट कट जैसा लगता है इनको जो ये एक्शन चाहिए ये एक्शन चाहिए हमसे कोऑर्डिनेट करते हैं तो हमारे जो पुनवा की जो टीम है मौजूद है वहाँ पर और हमारे जो फाइट की कोरियोग्राफ जो है आज बॉलीवुड में भी लगता है तो वो हम इन सब जो साउथ में भी जितना जो पिक्चर है उसमें जो फाइट की जो जोरियोग्राफ लगते हैं हमारा जो है आज उस दौरान में भी किया जाता है और भी कोई एक्टर को आपने ट्रेन किया है और पर्सनल ट्रेन दिया है संजय हाँ, के पास हम करते थे हाँ तो इन सब जो आपके स्टूडेंट हैं संजय दत्त हैं कटरीना कैफ है सुशांत सिंह राजपूत कृति सैन को तो फिल्म में कोरियोग्राफ किया कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट रहा किसको सिखाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी नहीं बिल्कुल रे वो लोग सब नीचे से बहुत ज़बरदस्त वो लोग मेहनत करते हैं और सभी लोग एकदम एक्सपर्ट है फिज़िकल फिटनेस के लिए उन लोगों को कोई कमी नहीं है और एक आर्टिस्ट जो है वो लोग में इतनी जो गुण है कि उनको हर चीज़ करने में आसानी हो जाती है तो उनको ऐसा तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई है कि जल्दी से जल्दी वो लोग पिकअप कर लेते हैं संजय दत्त को अगर बोले संजय को ट्रेन किस तरह संजरी क्या क्या आपको लगी। नहीं बिल्कुल वो लोग का जो है एक तो फिजिकल फिटनेस के लिए गाइड किया है उनका तो एक्चुअली पिक्चर के लिए पूरा प्रॉपर नहीं हुई है इनको फिजिकल फिटनेस के लिए गाइड है बाकी का तो जो सुशांत ने जो किया है क्रटरीना ने किया है तो बहुत अच्छा वो लोग कैटरीना को आप पर्सनल ट्रेनिंग भी दी है वो लोग ये एक्शन के लिए एक्शन लिया हुआ है उन्होंने हमसे और भी अभी कोई हॉलीवुड किसी आर्टिस्ट को ट्रेन किया है नहीं हॉलीवुड की तो अभी फिलहाल नहीं है हॉलीवुड में और साउथ में आ, हा, हा, हा। ये जो मध्य प्रदेश में जैसे कल आप बहुत बड़ा एक शो करने जा रहे हैं एक प्रेजेंटेशन है खेल योग कल्याण विभाग के साथ थाउजेंड सर रहे हैं एस एल थाउजेंड वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में क्या उद्देश्य है इसका यहाँ शो करने का डेमोन्स्ट्रेशन करने का ये जो मणिपुर के कलाकार मणिपुर के कितने कलाकार हैं जो कल प्रदर्शन करेंगे शो करेंगे कल की जो प्रोग्राम है हमारा पूरा टीम है बस पंद्रह से बीस लोग की टीम है और हमारा भोपाल की पूरी टीम है और हमारा और भी मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आने वाला है और कहीं स्टूडेंट्स और वहां पर रहने वाला है तो इसी तरह प्रोग्राम होएगी ये जो है कल की जो प्रोग्राम है हम चाहते हैं कि हमारा जो स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स की जो अंदर जो बच्चों लोग को जो ज़रूरत है उस चीज़ों के लिए हम बताने के लिए हम कोशिश कर रहे थे बिल्कुल मीन्स एक तरह से कहें कि ये एक डेमोस्ट्रेशन है और एक फुनाभा से आप इंट्रैक्शन करा रहे हैं भोपाल को और इसके बाद एक खेल के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जाए बिल्कुल बिल्कुल आपके एसोसिएशन यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये शुरू किया है मध्य प्रदेश में हमारा भोपाल शुरू हो गया है इंदौर शुरू हो गया है और गहलोर के भी शुरू करने के लिए हमारा में धार में भी शुरू हो गया है और इंडिया में और कौन कौन से स्टेट में जहाँ आप अप्रोच है मुंबई में तो आप हैं ही हाँ मणिपुर है त्रिपुरा है अरुणाचल है असम है और वेस्ट बेंगल है महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश है और राजस्थान है ये सभी में चालू कर दिया है इंडियन फेडरेशन है गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है क्या आपको लगता है कि हो तो इस गेम को और बेटर आप ले जा सकते हैं नहीं, अभी तो फिलहाल इनिशियली है हम गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए हमने शुरुआत की है हमेशा गवर्नमेंट कहते हैं कि अच्छा काम के लिए वो हमेशा साथ देते हैं तो अभी कोई फंड या कुछ आपको सपोर्ट फाइनेंशियली कुछ गवर्नमेंट या फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से करें बिल्कुल बिल्कुल अभी फ़िलहाल नहीं है ये जो है हमारा जो एसोसिएशन है हमारे जो लोग है हम एक दूसरे से दूसरे जोर के एक दूसरे से दूसरे हाथ मिला के हम मिनट रहे। कर ही रहे हैं मीनस आने वाले टाइम में जब आप परफॉर्मेंस देंगे और शायद खिलाड़ी तैयार होंगे तो आई होप कि गवर्नमेंट इसको खेल के रूप में टेक ओवर करेगी और आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी बिल्कुल बिल्कुल ये जो है हमारा जो एसोसिएशन और हमारा जो आने वाला पेरी जो बच्चे लोगों के लिए ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेंगे उसी की खुशी है कि हमको कि आज गर्व है कि इस आर्ट को लेकर लोगों तक पहुँचाएँ कौन कौन से टूर्नामेंट में अभी ये शामिल है और जहाँ ये खेल रहे हैं इस खेल को फनाभा को और कंट्रीज भी फुनावा जो है अभी इंटर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल नेशनल लेवल करने के लिए हम अभी लास्ट ये जस्ट अभी हम जून में नेशनल लेवल भी शुरू किया जाएगा इंटरनेशनल का भी सब तैयारी कर दी है नेशनल कहाँ होगा रवि सर ये हम लोग कोशिश करेंगे हम चाहते हैं कि हम भोपाल में किया जाए उसके बाद फिर इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाए बिल्कुल बिल्कुल अभी एशियन या किसी ऐसे नेशनल के अलावा जैसे आप हमारे बॉडी रेडी हो चुके हैं लेकिन हमारा जो गेम जो है इनिशियली ये 2019 से सभी शुरू हो जाएंगे जैसे टाइगोंडो की बात होती है जूडो की बात होती है कराटे की ये इन तीनों से कैसे अलग है मतलब अगर हम बात करें कि है ये भी स्पोर्ट्स इंडियन मार्शल आर्ट है जैसे आपने बताया कि हम कह सकते हैं हमारे हिंदुस्तान का है बाकी जो हम गेम खेलते हैं दूसरों जापान कोरिया से लेकर खेलते हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें क्या खासियत है ये गेम इन तीनों गेम से कैसे अलग है या क्या इसकी टेक्निक है ये सभी गेम से थोड़ा जो डिफरेंट ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग की जो सेक्शन पर जो डिफरेंट है ये इंटरटेनमेंट म्यूज़िक के साथ हमारा किया जाता है और आपने अभी जो देखा हमारा जो प्रैक्टिस करते वक्त तो ये जो है इस तरीका से लोगों को आ, इनको डेवलप करने के लिए इच्छा होना बच्चों को एक हाँ मोटिवेशन करने का हाँ ये जो चीज़ इसी तरह ट्रेनिंग देते हैं रियल जो है टूर्नामेंट होती है हमारा जो एक दूसरे से दूसरे कोऑर्डिनेट करके फ़ाइट होती है हाँ फ़ाइट की द्वारा इनको पॉइंट लेते हैं पॉइंट के हिसाब से इनको आगे बढ़ना है तो इसी तरह एक पार्ट है और सेकेंड पार्ट जो है एक परफॉर्मेंस होती है हमारा इसमें जैसा आपने थोड़ा सा जो तलवार चलाते वक्त देखा हाँ इसी तरह जो एक समझो जो भी टीम आता है समझो मणिपुर से आया टीम और महाराष्ट्र से आया टीम सपोज गुजरात से आया टीम तो ये जो टीम जो है इनके टीम के हिसाब से परफॉर्मेंस होएगी उस हिसाब से जो जजेस रहेंगे वो जजेस पॉइंटेंगे देंगे उस हिसाब से इनका विनर डिक्लेयर किया जाएंगे उसी तरह खेला जाता है इसका कोई सिलेबस होता है जैसे आपने बोला कोर्स की तरह है पाँच साल से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लोग भी खेल सकते हैं तो कुछ कोर्स के रूप में आपने डिज़ाइन किया है इतने ड्यूरेशन का होता है बिल्कुल बिल्कुल ये कोर्स ही होते हैं इसमें हमारा बेल सिस्टम है है ना जो स्टार्टिंग में वाइट बेल येलो बेल ग्रीन बेल रेड बेल इसी तरह बेल्ट होते हैं ब्लैक बेल होते हैं ब्लैक बेन की बात डिग्री होती है तो ऐसा इनका एक जनरेशन ये जनरेट करते हैं और इसके साथ ही साथ ही इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिप्लोमा हमने इसके अंदर डाले मैनेजमेंट की स्पोर्ट्स को कैसे डेवलप करना है उसके भी ये इसी में है और हम आगे चल के हम कोशिश करें कि एन कोर्स तक कंप्लीट करने के लिए हमारा पूरे प्लानिंग है अभी ये किस यूनिवर्सिटी से टाई अप किया आपने पोस्ट ग्रेजुएशन है इस कोर्स नहीं बिल्कुल नहीं हम हमने जो महाराष्ट्र में हमारे इंस्टीट्यूट है मणिपुर में इंस्टीट्यूट है हम अभी मध्य प्रदेश के लिए भोपाल में हम इंस्टीट्यूट करने के लिए तैयारी चल रहे ये सभी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ों के फैसिलिटी मिलेंगे सभी लोगों हाँ ये ताइब करके कर और हमारा खुद के प्राइवेट हमारा जो इंस्टीट्यूट है हम हमने भी खुद रन करने के लिए कोशिश की है और कर भी रहा है और गवर्नमेंट के साथ भी ताइब करेंगे हम तो दोस्तों आपने देखा कि रणवीर सिंह जो इसके फुनावा के वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन करते हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को ये तैयार कर रहे हैं और इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में भी इन्होंने इस खेल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए शुरुआत की और जैसा इन्होंने कहा कि ये माइंड और पावर का गेम है तो बच्चे जहाँ आजकल अपनी मोबाइल इंटरनेट और गेम से तमाम उनको दिक्कतें भी हो रही हैं प्रॉब्लम्स भी होती हैं जहाँ उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी वीक होती है लेकिन शायद ये गेम जो खासकर ये बार बार इंफेसिस कर रहे हैं हिंदुस्तान का मार्शल आर्ट है क्योंकि हम दूसरे मार्शल आर्ट को तो जानते हैं लेकिन हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट को ये लगे हुए जी जान से प्रमोट करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं और हम सबकी उम्मीद है कि निश्चित ही जिस तरीके से इनकी इच्छा है अभी तक इन्होंने पैंतालीस देशों को टच किया है आई थिंक जितने वर्ल्ड में है वर्ल्ड में इस और हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट जो मणिपुर से निकल कर आया इसका नाम होगा तो रणवीर सिंह जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आप नई जो जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स के लिए तैयार करते रहिए हमारे साथ आपके फेडरेशन से जुड़े और भी लोग हैं हम उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस खेल के बारे में और कल जो शो रहेगा वो कितनी देर का रहेगा थोड़ा ये भी होता है कि एक्साइटमेंट लोगों को बना रहेगा कल के जो शो है वन आवर के रहेंगे और शाम को पाँच बजे शुरू करने के लिए हमने सब तैयारी किया है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भोपाल फुनाबा जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट सुजाया मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं जो खुद भी ताइकंडू के प्लेयर रहे हैं और इनके नाम कई गिनीज बुक और लिम्का बुक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं तो हम इनसे जानते हैं कि ये भोपाल में जो रणवीर सिंह जी जो एक एम लेकर चले हैं कि दुनिया भर इसको पहुँचा रहे हैं भोपाल में किस तरह इसकी शुरुआत हो रही है और किस तरीके से इसको आगे स्वरूप दिया जाएगा नमस्कार निश्चित रूप से आपने ठीक कहा कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ और ताइकंडू का खिलाड़ी रहा हूँ रणवीर जी से अभी हमारी मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे पुनावा जो मार्शल आर्ट्स है मणिपुर से, से संबंधित है उन्होंने कहा कि इस आर्ट्स को क्यों ना भोपाल में शुरू किया जाए मुझे अच्छा लगा आर्ट्स को मैंने बारीकी से समझने का प्रयास किया और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आर्ट्स में क्या है और मैंने ये पाया कि जो अभी तक हम लोग जो आर्ट्स को खेल रहे थे या जान रहे थे वो निश्चित रूप से हमारे देश से हट के दूसरे देशों के आर्ट्स थे इसलिए मेरा और ज़्यादा इंट्रैक्ट हुआ इस आर्ट्स के प्रति पुनावा के प्रति तो मैंने कहा ठीक है इस आर्ट्स को लेके हम भोपाल के भोपाल डिस्ट्रिक्ट को जो हमारे स्टूडेंट्स है कॉलेज लेवल के प्राइमरी स्कूल के हायर सेकेंडरी के हैं सभी तक हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे और विगत जहाँ आपको खुशी होगी जानकारी है कि विगत एक महीने के अंदर हमने भोपाल में जैसे मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल पीपल्स पब्लिक स्कूल्स विक्रम हायर सेकेंडरी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल डी स्कूल इसके अलावा और कई स्कूल है और हमारे कॉलेज से भी बात हो चल रही है वहाँ हमने हमारे जो बच्चे हैं पीछे स्पोर्ट्स अभी कर ही रहे हैं जो मणिपुर से है जो रणबीर जी के ट्रेनर है उनके माध्यम से हमने कई लाइव प्रोग्राम्स दिए हैं और सब इंस्टीट्यूशन ने बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारा जो मोटो है कि आज के जो हमारा यूथ जनरेशन है वास्तव में हेल्थ के प्रति बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है और हमारी दिली इच्छा ये है कि हम अपने इस यूथ जनरेशन को स्पोर्ट्स के प्रति थोड़ा सा इन्वॉल्व करें थोड़ा उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और शायद हमें उम्मीद है कि इस मिशन में हम सबका दी सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे फेडरेशन की तरफ से और पब्लिक की तरफ से तो निश्चित तो रूप उसमें आगे बढ़ाने में सफल होंगे बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जो रणवीर सिंह जी ने वर्ल्ड फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है जो शुरुआत की और आप सब उससे जुड़ते जा रहे हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में खेल एशियन में भी शामिल होगा ओलंपिक में भी और निश्चित ही हमारे इंडिया से भी गोल्ड मेडल हमारे खिलाड़ी लाएंगे विकास जी हैं हमारे साथ जो ट्रेजरार हैं एसोसिएशन के हम उनसे जानते हैं कि इसकी अकेडमी आगे कहाँ शुरू करने की प्लानिंग है अब इसका ऑफिस कहाँ है और कैसे इससे बच्चे जुड़ सकते हैं अभी तो जेके रोड पे फुना की एकेडमी हमारी आगे चल के कई बड़े स्तर पे हमें डालने की सोचा है हमने और आज जिस तरीके से बच्चे अवेयरनेस की तरफ है इस तरीके से हम भी चाहते हैं कि कुछ हम अच्छा करें बच्चों के लिए जिस तरीके से मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं उस तरीके से हम भी स्पोर्ट्स में बच्चों के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि आप स्वच्छ रहिए जो आज बच्चे मैगी कई चीज़ों से अवेयरनेस से माँ बाप उनको वो चीज़ नहीं सिखा पा रहे हैं उसके लिए हम काफ़ी तन मन धन से लगे हुए हैं कि इस फेडरेशन के माध्यम से हम बच्चों को उस तरफ मोटिवेट करें जिस तरफ की वो फिज़िकल फिटनेस में एक्टिव रहें थैंक यू सो मच तो आपने देखा कि जिस तरीके से रणवीर जी बहुत पॉजिटिव नज़र आए और ख़ुद भी स्पोर्ट्स के इसके खिलाड़ी हैं और एक्टिव हैं लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं और हमने अभी देखा कि मणिपुर के खिलाड़ी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक बड़ा शो है जिसमें भोपाल में होने जा रहा है इसी तरीके से हमारे साथ सुजय जी थे और विकास जी थे तो निश्चित ही आने वाले टाइम में ये फुनावा जो अभी कई लोगों के लिए बिल्कुल एक नया नाम होगा आने वाले टाइम में शायद ये एक नाम हर किसी की ज़ुबान पर होगा और ये खेल निश्चित ही दुनिया भर में अपनी पहचान बनाएगा पीपुल समाचार आई एम भोपाल के लिए कैमरामैन गौरव सिंह के साथ मैं प्रिंस गाबा